Hello friends, welcome to all of you, PVR history. Friends, previous class में आप लोग पढ़े थे future indefinite tense में affirmative sentence. तो आइए आज पढ़ते हैं negative sentence. Negative sentence नकारात्मक वाक्य. इसका नियम क्या है देखते हैं. Subject plus helping verb. Helping verb क्या है? Shall और will. Shall, will plus not. फिर main verb. Main verb में क्या है? First form plus object. Subject helping verb. Helping verb shall या will. I be के साथ shall, से सभी कर्ताओं के साथ will. प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ूंगा. मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ूंगा. आई आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं. शैल रीड. सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां नॉट का प्रयोग करेंगे. शैल नॉट रीड माय बुक. आई शैल नॉट रीड माय बुक. कुछ बच्चे बगीचे में नहीं टहलते होंगे. कुछ बच्चे बगीचे में नहीं टहलते होंगे. आप लोग को बताया थे पहचान जब ता होगा ते होंगे ती होगी या होगा होंगे गागे की भी आता है ना. तो कुछ बच्चे बगीचे में नहीं टहलते होंगे. सम चिल्ड्रेन कुछ बच्चे है ना. सम एडजेक्टिव है चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है. इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल. फिर नॉट टहलना वाक फर्स्ट फॉर्म वाक में टहलना. प्लेस ऑफ एडवर्ब क्या है? इन द क्लास इन द गार्डन सॉरी इन द गार्डन. सम चिल्ड्रन विल नॉट वाक इन द गार्डन. तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Interrogative sentence. Interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य. तो आइए फर्स्ट टाइप देखते हैं पहले. जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शैल विल. शैल विल प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब. मेन वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल देखते हैं. मैं कक्षा में
पुस्तक कैसे पढ़ाऊंगा। कह रहा है मैं कक्षा में उसे पुस्तक कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड हाउ, कैसे, तरीका पूछा जा रहा है हाउ कैसे। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्या आई, आई के साथ शैल। फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई। फिर मेन वर्ब टीच, टीच माने पढ़ाना। अब इसमें क्या है उसे पुस्तक, है ना। ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पुस्तक क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है हिम, टीच हिम अ बुक। अब प्लेस ऑफ एडवर्ब बचा हुआ है इन द क्लास, इन द क्लास। हाउ शैल आई टीच हिम अ बुक इन द क्लास। तुम बगीचे में कितने आम तोड़ोगे, कितने आम तोड़ोगे, तुम बगीचे में कितने आम तोड़ोगे। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है कितने, है ना। हाउ मेनी, आम क्या है काउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मेनी। यदि अनकाउंटेबल नाउन होता हाउ मच, यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम। तुम क्या है, तुम है ना, यहां तो विल लगाएंगे, विल यू तोड़ना पलक, पलक माने तोड़ना। इन द गार्डन, इन द गार्डन हाउ मेनी, हाउ मेनी मैंगोज विल यू प्लक इन द गार्डन। अब देखते हैं सेकेंड टाइप्स क्या है। सेकेंड टाइप्स है जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसका नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, है ना। क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए, ये नियम कंप्लीट हो गया। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह किसान, क्या वह किसान अपने खेत में, अपने खेत में, क्या वह किसान अपने खेत में कार्य करता होगा, कार्य करता होगा या करेगा, कुछ भी हो सकता है ना, करेगा या करता हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिर हेल्पिंग वर्ब ट्रांसलेशन करेंगे, वह किसान है ना, तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, विल दैट फार्मर, दैट फार्मर कार्य करना, वर्क इन हिज फील्ड, विल दैट फार्मर वर्क इन हिज फील्ड।
क्या हम अपनी पुस्तक कल खरीदेंगे? क्या हम अपनी पुस्तक कल खरीदेंगे? यहां पे हम है, वी है, वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं? शैल, शैल वी, खरीदना बाई, मेन वर्ब है, क्या खरीदेंगे? अपनी पुस्तक, वी के साथ आवर, एडजेक्टिव है आवर बुक, बुक क्या है? नाउन है, फिर कल क्या है? एडवर्ब है ना, टुमारो, टुमारो, शैल वी बाई आवर बुक टुमारो, क्या हम कल अपनी पुस्तक खरीदेंगे? अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, है ना, सेम नियम वही है, सिर्फ क्या परिवर्तन करना है हमें, नॉट का ध्यान देना, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो आइए नियम देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही शैल विल का प्रयोग होता है, शैल विल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होता है? नॉट। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब देखते हैं एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? मैं तुम्हें पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, फिर आई है इसलिए यहां पे सेल का प्रयोग होगा, सेल, फिर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, टीच क्या है? मेन वर्ब है, टीच माने पढ़ाना, फिर क्या बच रहा है? तुम्हें पुस्तक, तुम्हें क्या है? सजीव कर्म है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टीच यू, फिर क्या है? पुस्तक, पुस्तक क्या है? काउंटेबल नाउन है इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल आगे प्रयोग करेंगे, बुक, आ बुक, व्हाई सेल आई नॉट टीच यू अ बुक। वे नदी में नहीं, वे नदी में नहीं कूदते होंगे, कूदते इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे क्यों हो, क्यों नहीं कूदते होंगे, क्यों नहीं कूदेंगे या कूदते होंगे, Why? Why के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल,
दे नॉट जंप इनटू द रिवर, है ना? व्हाई विल दे नॉट जंप इनटू द रिवर? आप सेकंड टाइप देख लेते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसमें भी वही परिवर्तन करना है, क्वेश्चन वर्ड हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्या तुम उसे पुस्तक नहीं दोगे, कह रहा है क्या तुम उसे पुस्तक नहीं दोगे? क्या से शुरू हुआ वाक्य? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विल। सब्जेक्ट क्या? यू। फिर नॉट, फिर मेन वर्ब देना गिव। अब गिव क्या है? मेन वर्ब है, है ना? कैसी मेन वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब की डाई ट्रांजिटिव वर्ब है ना। गिव बाय सेंड, ये तीन वर्ब क्या होते हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, दिखाते हैं, देखिए हिम, गिव हिम अ बुक, और इसी को सेकंड टाइप से भी लिखा जा सकता है, गिव अ बुक टू हिम। यदि गिव के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग होता है, है ना? इस टाइप से विल यू नॉट गिव हिम अ बुक, विल यू नॉट गिव अ बुक टू हिम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है इसलिए इसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। क्या मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगा? सर, यहां पे आई लगा हुआ है, सर यहां नॉट का प्रयोग होना चाहिए, पत्र नहीं लिखूंगा, है ना? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो तो नहीं है, नेसेसरी है शैल आई नॉट। मेन वर्ब क्या लिखना? राइट तुम्हें, है ना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यू आ लेटर, Shall I not write you a letter? क्या वे अपने मित्र के साथ विद्यालय नहीं जाएंगे? वे दे, यहां पे विल का प्रयोग करेंगे, विल दे नॉट। मेन वर्ब क्या? जाना, गो टू
स्कूल विद डियर, दे के साथ डियर रिलेट हुआ था फ्रेंड, विद डियर फ्रेंड, विल दे नॉट गो टू स्कूल विद डियर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहीं पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है, ये क्लास अब समाप्त करते हैं। अब सेकंड क्लास में आप पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस।